हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज मैं आपको दिखाऊंगी सिद्धू मूसेवाला भाई की गाड़ियों का कलेक्शन। बहुत सारे कार कलेक्शन आपको दिखाते रहते हैं हम। ये थोड़ा अमेजिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि उनकी गाड़ियों का जो कलेक्शन है वो बहुत सिंपल सा नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अतरंगी सा है। तो चलिए सबसे पहले उनकी गाड़ी देखते हैं, लेजेंडरी फॉर्च्यूनर जो है। ये हमारे साथ 2017 मॉडल है ये, और ये जो कार है ये हमारी फुल ऑन बुलेट प्रूफ है। जितना पैसा गाड़ी को ख़रीदने में लगाया गया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा यहाँ पे इसको बुलेट प्रूफ बनाने में लगाया गया है। दूसरी कार जो हमारी आती है वो है हमारी अपने विली जीप, आपको मैंने बहुत बार दिखाई है। थार भी हम लोग देख चुके हैं, उसके बीच का एक इंटरमीडिएट वर्जन आप कह सकते हैं वो है ये गाड़ी। ये आपकी फुल ऑन बैटरी ऑपरेटेड कार है जिसको आप 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं एक बार फुल ऑन चार्ज करने के बाद, और चार्जिंग में ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे लेती है। बाकी बहुत छोटे मोटे रन के लिए, छोटा मोटा भी नहीं है, 100 किलोमीटर अच्छा खासा रन है उसके लिए ये गाड़ी उन्होंने ली थी। और फ्रंट में आप देखेंगे तो उनकी बहुत स्मार्ट सी फ़ोटो है। इस गाड़ी की खासियत ये है कि इसका वेट काफ़ी कम है, बैटरी ऑपरेटेड है ये, तो आपको मैंने बताया कि बहुत कम टाइम में चार्ज होकर बहुत सारे किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको RC की ज़रूरत नहीं है, पोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों से हसल फ्री आप होके अपनी राइड को इंजॉय करेंगे। आइए अब देखते हैं इनकी नेक्स्ट कार। और नेक्स्ट कार दिखाने से पहले आप ये एरिया देख लीजिए जहाँ पर उनका फुल ऑन ये गैराज है बेसिकली, जहाँ पर इनकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो है उनका घर, जहाँ पर मैं जब पिछली बार आई थी तब भी गई थी, मैं आज भी गई थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो अंदर का बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन यस अंकल के साथ अपनी एक दो फ़ोटोज़ आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये यहाँ पर इन्होंने रास्ता बंद किया है ताकि यहाँ पे सब लोग ना आ पाए, तो थैंक यू सो मच हमें ये परमिशन देने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अदरवाइज़ हम भी ये सब गाड़ियाँ दूर दूर से ही देख रहे होते। अब ये देखिए जो फ्रंट में सबसे पहला हमें ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जिसके आगे लिखा हुआ है मास्टरमाइंड, ये फोर्ड का है। और इसमें जो बहुत अतरंगी सी चीज़ आपको दिखाई देगी, बहुत डिफरेंट सी चीज़ दिखाई देगी, दैट इज़ इट्स टायर्स। टायर देख लो भैया आप, पहले मुझे लग रहा था कि इतना वेट ये ले पाएंगे, लेकिन हाँ इनका साइज इतना बड़ा है और ये जो बॉडी भी मुझे लग रहा है कि इतनी ज़्यादा वेट नहीं यार, अच्छी खासी बहुत भारी है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल ठोस, यहाँ पे लोहा ही लोहा यूज़ किया गया है। वहाँ पे उनके दो डॉग्स भी हैं, उनसे ज़्यादा पंगे लेना ठीक नहीं है। आ जाइए आगे। नेक्स्ट आता है हमारा ये जिसका नाम उन्होंने रखा है झोटा, और यहाँ पे उन्होंने अपना मूसा जट लिखा है इसके ऊपर, सिद्धू फार्म लिखा गया है इसके अंदर। ये आपको थोड़ा देखा देखा सा ट्रैक्टर लगेगा, बहुत वीडियोस वगैरह में उन्होंने यूज़ किया है इसको। ऊपर के साइड में जो आपको राउंड राउंड में ओवल शेप में दिखाई दे रहे हैं वो लाइट्स हैं जो रात के टाइम में बहुत अमेजिंग लुक देता है। और ये जो दो ट्रैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं येलो वाले, जिसमें स्पेशली सिद्धू भाई की फ़ोटो भी लगाई गई है, इसमें भी फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी ये लगाया गया है। ये उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रैक्टर हैं, 5911 इसका नाम है, इसको पंजाबी में नाठ 11 बोला जाता है, तो उस नाम से बहुत फेमस है, बहुत सारे वीडियोस में भी आपने देखा होगा। इसके अंदर भी बहुत सारी खासियतें हैं, सबसे पहला यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम के लिए बहुत सारे स्पीकर्स वगैरह आपको दिए गए हैं, सब वूफर यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, लाइट्स ऊपर की तरफ आप देखेंगे। और दोनों का ना मॉडिफिकेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट सा कराया गया है, सेम सेम नहीं है, काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे डिफरेंट बनाया गया है। इनफैक्ट आप साइड का भी फेंडर देखेंगे, उसके ऊपर भी जो लाइट की डिज़ाइनिंग है वो भी आपको अलग अलग दिखाई देगी, जो बेसिकली हमारे बोल सकते हैं टर्न इंडिकेटर का काम करते हैं। स्टेयरिंग देखेंगे वो भी दोनों के अंदर आपके बिल्कुल अलग हैं, फ्रंट लाइट दोनों की बिल्कुल अलग है, बाकी मशीनरी के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन यस टायर भी आपके ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन यस जो ऊपर वाला पार्ट है जैसे जहाँ पे मूसा लिखा है वहाँ पे आप देख सकते हैं उस पार्ट की डिज़ाइनिंग, ऐसा लग रहा है जैसे फॉल सीलिंग में कुछ अच्छा सा काम करा देते हैं, इस टाइप का बहुत स्मार्ट लुक दे रहा है वो। इस साइड में भी आप देखेंगे वो भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है। सीट भी दोनों की बिल्कुल अलग है, उसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल अलग है, अब येलो कलर का लिया गया है, यहाँ पे ब्लू कलर में बनाया गया है। ये हमारा सिंपल हॉलैंड है, लेटेस्ट नया वाला ट्रैक्टर है, और इसका भी बहुत मतलब मेन आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रैक्टर का बहुत अमेजिंग कलेक्शन है, बहुत सारे यहाँ पे ट्रैक्टर्स का यूज़ किया गया है, तो इसका शौक था उन्हें, मतलब बेसिकली मुझे लग रहा है अपनी जड़ों से जुड़ के नहीं रहते आदमी, जैसे कि फार्मर होना अपना प्राउड फील करते हैं, वो वाली चीज़ दर्शाते हैं ये जितने भी आपके यहाँ पे ट्रैक्टर शो हो रहे हैं। ये जो आपको ब्राउन कलर में गाड़ी दिखाई दे रही है ये आपकी बिल्कुल पुरानी वाली जीप है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें छेड़ी भी नहीं गई हैं, लाइट्स वगैरह आप देख पा रहे होंगे, डिज़ाइनिंग वगैरह देख पा रहे होंगे, नहीं यार बहुत सारी चीज़ें छेड़ी गई हैं यहाँ पे, बहुत कुछ चेंजेस भी आपको दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ स्टॉक भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी उनकी वन ऑफ
द फेवरेट कार आप कह सकते हैं, और उसके ऊपर भी उनकी पिक लगी हुई है। और ये फोटोज़ लगी है ना, ये ऐसा नहीं है कि बाद में लगाई गई है, ये पहले से लगी हुई है। और उसके बाद लास्ट में आती है हमारी ये वाली महिंद्रा थार, जो जिस गाड़ी के लिए हमेशा हमें बड़ा अफसोस रहता है कि यार उस दिन इस गाड़ी में नहीं जाना चाहिए था। फॉर्च्यूनर उनकी फुल ऑन बुलेट प्रूफ है, उस गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए था। तो इसमें आपको दिख रहे होंगे बुलेट के निशान वगैरह भी हैं, तो ये वो गाड़ी है। इसको डिटेल में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या इसका सीन है। और उनको ना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रॉलीज़ का भी बहुत शौक था। ये TSB की ट्रॉली है जो बहुत हैवी और अच्छा खासा वेट कैरी कर लेती है, वो भी उन्होंने यहाँ पे अपने कलेक्शन में रखी है। तो मतलब हम बोलेंगे कि हम लोग यूजुअली कार कलेक्शन की बातें कर रहे हैं, ये गाड़ी वो गाड़ी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये कलेक्शन देखने के बाद पता चलता है कि इंसान सच में ज़मीन से कितना जुड़ा हुआ था, कि अपने शौक़ के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी हैं जो बिल्कुल खेती के लिए यूज़ की जाती है। और वो बड़े फेमस थे कि वो किसी भी टाइम अपना ट्रैक्टर उठाए और अपने खेत में जाके खेती भी करते थे। ये भी आपका एक एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है। मुझे सॉरी इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसको खेतों वगैरह में यूज़ किया जाता है, और इसको भी कस्टमाइज़ किया गया है। और देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है सिद्धू मूसेवाला, और जैसा वो था ऐसे ही ये भी एक और इक्विपमेंट है। और अगेन मुझे सॉरी नहीं पता इसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ है इसका। ये इनका सारा पूरा गैराज है, यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है, और इनका घर भी बिल्कुल साइड में ही है। और यहाँ पे हर टाइम यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है ताकि गाड़ियों के साथ ज़्यादा कोई लोग छेड़खानी ना करे, चीज़ें बिल्कुल सेफ़ रहे। और मैं बोलूँगी यार अप्रिशिएट करेंगे फैंस को भी, वो भी बिल्कुल इनकी प्राइवेसी का, सेफ्टी का, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी पूरी फैमिली की बहुत प्यारी सी फ़ोटो भी लगी हुई है। तो चलिए दोस्त, ये था सिद्धू मूसेवाले भाई का गैराज टूर, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अभी मैं इनकी कुछ गाड़ियाँ आपको डिटेल में भी दिखाऊंगी, और कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको पता है क्या करना है, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लव यू ऑल।